क्या नाम है? सुमन। एस यू एम ए एम, ये क्या हो जाएगा? एस यू सुमन फिर के, सुमन के ना। अब इसका मतलब समझ लो, मतलब पीछे करो, सर से ये रखो सीधा, ठीक है। ऊ से उल्टा, ठीक। एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, आगे अंगूठा, 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 ठीक है। एन से नाखून, क्या? नाखून। के से कलाई, क्या? कलाई, कलाई। ये हमारा है हाथ धोने का सही तरीका, का सही तरीका क्या है? हाथ धोने का सही तरीका। अब नदी से आकर आ जाएंगे, अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब हाथ से प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखा हुआ पहले? सीधा, है ना? सीधा मतलब कि जब साबुन को लेकर के हाथ को गीला कर देंगे तो 10 बार सीधा सीधा ऐसे करेंगे, है ना? कितनी बार? कितनी बार? 10 बार। हाँ, कम से कम 10 बार सीधा, है ना? फिर क्या लिखा है? उल्टा। 10 बार उल्टा, 5 बार ऐसे, इसके अंदर तक का मैल निकल जाए, ठीक है। 5 बार ऐसे पूरा उंगली को फैला करके इसके बीच में जो जगह है ना, इसका भी मैल निकल जाए, है ना? फिर 5 बार ऐसे, समझ गए सब लोग? ये चीज, हाँ, ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस कर दो, समझ गए। अब अगला क्या है? मुट्ठी। एम से मुट्ठी, ये मुट्ठी ऐसे बांध दिया, एक मुट्ठी को दूसरे कलाई में खूब अच्छे से रगड़ लिया और दूसरी मुट्ठी को लेकर दूसरे कलाई में अच्छे से रगड़ लिया, घुमा घुमा करके अच्छे से रगड़ते, ताकि हमारे मुट्ठी का भी जो गंदगी है, इसके ऊपर के भी जो गंदगी है वो खत्म हो जाए। अगला क्या है? अंगूठा। अब ये अंगूठा को, चूंकि अभी हम मर रहे थे तो इसके छेद की गंदगी निकल रही थी, यहां तो निकली नहीं है, तो अंगूठे की गंदगी 5 बार ऐसे, ठीक है। अब 5 बार ऐसे ऐसे करके इसका गंदगी हम लोग निकाल लेंगे साबुन से, ना। फिर अगला क्या है? नाखून। अब अपने उंगली को ऐसे करेंगे, ये सब नाखून मिल जाएगा, ऐसे ऐसे रब करेंगे गोल गोल कलाई पर, ताकि नाखून के जो मैल है ना वो भी निकल जाए, ठीक है। 5 बार ऐसे ऐसे, फिर 5 बार दूसरे हाथ से पहले वाले हाथ को ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ गए? तब तो ये मैल निकलेगा ना। आगे क्या है लास्ट में? कलाई। कलाई को लेकर के ऐसे 5 बार ऐसे कलाई को, ठीक है, फिर 5 बार दूसरी वाले कलाई को, ठीक है, समझ गए? ये हाथ धोने का सही तरीका है सुमन के, है ना? ये फार्मूला है सुमन के। एस से सीधा, ऊ से उल्टा, एम से मुट्ठी, ए से अंगूठा, एन से नाखून, के से कलाई। इसका उपयोग करेंगे तो हम सही तरीके से अपने हाथ को धो करके गंदगी को निकाल सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो जब जब हम लोग खाना खाने जाएं, शौच करने जाएं, उसके खाना खाने से पहले और शौच करने के बाद, बाकी कुछ गंदगी हमारे हाथ से, स्कूल आने से पहले, स्कूल से घर जाने के बाद, साबुन से हाथ जरूर धोएंगे, ठीक है ना? कितने लोग करेंगे? साबुन से हाथ धोने के फायदे क्या क्या हैं? क्या क्या फायदे हैं? हमें बीमारी नहीं होगी, हमको बीमारी नहीं होगी, हमारा पैसा नहीं लगेगा, हमारा स्कूल अब्सेंट नहीं होगा। बीमार होंगे तो अब्सेंट करेंगे ना, अब्सेंट होंगे तो आज का जो सब्जी पढ़ा है वो छूट जाएगा, छूट जाएगा ना, तो बाकी बच्चों की अच्छा हम पीछे रहेंगे, है ना? जो बच्चा हाथ धोकर डेली खाना खाता है वो बीमार नहीं होगा,
जो हाथ धोकर नहीं खाना खाता कभी कभी ना कभी बीमार हो जाएगा, तो उसका एब्सेंट भी जब हो जाएगा स्कूल में, बीमार भी रहेगा तब अपने मम्मी पापा का पैसा भी बर्बाद होगा, होगा ना, पैसा समय और आपका स्कूल दोनों छूट जाएगा, है ना। तो कोशिश करेंगे कि हम जब भी खाना खाने जाएं उससे पहले क्या करेंगे, साबुन से विधिवत सुमन के वाले फार्मूले से हाथ धो लेंगे, ठीक है। कितने लोग करेंगे हाथ उठाएं, कितने लोग करेंगे हाथ धोकर के खाना खाएंगे, सब लोग वेरी गुड, अपने लिए ताली बजा दीजिए। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये हम इसे छोड़ दे रहे हैं।